राम राम जी। जी हाँ, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एक बार फिर से जो है 13,657 पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। ग्रुप डी के लिए ये मामला है भाई। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के अंदर 10 गुना उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। के मामला है देख लो। उसके अलावा और टीजीटी से भर्ती की खबर भी है, एक दो खबर और हैं आज। देखो भाई, सबसे पहले के मामला है। सबसे पहले भाई, आयोग ने जो ग्रुप डी की भर्ती जब करी है या मतलब इसमें पेपर लिया है, उससे पहले जो था विस्तृत विज्ञापन जो था वो जारी नहीं किया गया था। मतलब नूको ने बताया गया था कि जनरल के कितने पोस्ट हैं, एससी के कितने पद हैं, यानी वो तो बेरा 20% आरक्षण हुआ, लेकिन टोटली डिटेल को अंदर की किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं भाई, और भी जो डिटेल में होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना अगर भर्ती करते तो उसके ऊपर केस हो जाता। ईब के करेंगे 13, सरकार पहले कहा गया था कि था 13,536 पद थे, लेकिन फिलहाल जो है 13,657 पद जो है इनका आग्रह पत्र भेजा। मतलब के है अभी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 13,657 पदों के ऊपर जो है विज्ञापन जारी करेगा, भर्ती हुआ है पेल्डी, ठीक है। अब उसके अंदर क्या सिस्टम होगा भाई, कि दोबारा से जब यो पेल्डे जो ग्रुप डी के 18 में लगे थे कॉमन कैडर वाले, उनका जो है उनका जो ट्रांसफर होगा, उसके बाद जो है ट्रांसफर होने के बाद जो पोस्ट खालियां का बेरा पटाका, इसमें क्या लिखा कि लगभग 15,000 पोस्टों के ऊपर लगभग भर्ती हो जाओगी, लेकिन वह होगी 15,000 बढ़ेंगी नोटिफिकेशन आएगा जद मानी जाओगी। फिलहाल जो है 13,657 पद माने गए हैं, थोड़े बहुत और बढ़ गए 150-200 पद हो, ठीक है। अब इसमें पोर्टल तैयार हो गया बन के, अब उस पोर्टल के अंदर जो है थोड़े दिन में ओपन हो जाने की संभावना है। उसमें आपने यस और नो करना पड़ेगा नौकरी खातर, ठीक है। यस और नो, नो कर दिया तो अगर आप मेरिट में तो भी नौकरी को नहीं मिले, अगर आपने कुछ भी नहीं कराया तो इसका मैं आपने क्या करना पड़ेगा, फिर आपने पोस्ट तो मिल जाओगी लेकिन आपकी चॉइस की कौन मिला, ठीक है। और देखो भाई के मामला है सिस्टम में, देखो एचएससी पार्थ बैच हरियाणा का क्या है, तैयारी करनी हो टेक्निकल बैच, सारा सौदा की 20% डिस्काउंट चल रहा है, लीसो 20 कूपन कोड लगा लियो, इसमें भी 20% डिस्काउंट चल रहा है भाई, ठीक है। सारे बैचों में 20% डिस्काउंट देख लियो। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का ग्रुप सी के पेपर 10 और ग्रुपों के मतलब पेपर लेने में जुटिया, यानी 4 गुना से जिनमें कम है उनकी जो है उनके पेपर लेने के अंदर जुटिया, क्योंकि अभी एक केस आया था पीछे आपने बेरा होगा, ये जो टीजीटी भर्ती के अंदर जो 5 नंबर लेने वाला मामला जो था, उसी का चक्कर में अभी आयोग जो इसके ऊपर कानूनी सलाह ले रहा, दिक्कत तो पैदा करेगा, केस 5 नंबर वाला इनका पीछा नहीं छोड़ेगा मरते दम तक, ये मामला है, ठीक है। तो ये पेपर देख लियो, इसका मैं पढ़ रखा भाई, डाइटिशियन ग्रुप 11, फायर स्टेशन ऑफिसर, पिक्चर राइटर, लीगल और सब 46 ग्रुप में भाई, डेंटल का और देख लियो गुणे हैं, टेलीग्राम जीके प्रवीण उड़ान के अंदर डाल दूंगा, उसके अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। एक और भाई, हरियाणा पुलिस के अंदर जो है फिजिकल के अंदर 10 गुना बंदों को बुलाया जाएगा, ठीक है, ये देख लियो आप इसमें। यानी सबसे पहले क्या होगी, पीएमटी होगी, ठीक है, पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसमें सबसे पहले 10 गुना बंदों को बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, छाती होगा, यानी इसमें कह रखा भाई भर्ती के नियमों में होगा संशोधन, हाइट और दौड़ के नंबर समाप्त होंगे। इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके में दौड़ होगी, दौड़ के भी कोई नंबर को नहीं, 10 गुना पहले 10 गुना बुलाओगे, उसकी हाइट और छाती मापेंगे, फिर 10 गुना में तो भाई ये कह रखा है कि उसकी जो है फिर दौड़ होगी, दौड़ का भी कोई नंबर नहीं है। इसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट कितना नंबर का होगा, 94.5 नंबर का जो है टेस्ट होगा, 2.5 नंबर जो है ये सोशियो इकोनॉमी के होंगे, 3 नंबर जो है एनसीसी के होंगे भाई, ठीक है, यो सिस्टम कह रखा है। लेकिन पोस्ट के 4 गुना कोई बुलाओगे, मान लो एससी की 1,000 पोस्ट है, ठीक है, तो इसमें जो स्क्रीनिंग जो पास करेंगे उनमें से एससी के 4,000 बढ़कर नहीं बुलाओगे, यानी पोस्ट के अगेंस्ट 4 गुना बुलाने का काम करेंगे, ठीक है। लीस्ट स्वैप डाउनलोड कर लियो भाई।